अभी हम सेवती में पवन भाई चौहान की बाड़ी में खड़े हैं और ये पवन भाई चौहान ने केला लगाई है। आज करीब करीब कितना, ढाई महीना हो गया है। और ढाई महीने में इसमें जो नॉर्मल खाद जो डीएपी वगैरह डाले थे वो डला है, और इसमें ट्रायल के लिए सेम बाजू में ही हैं और ये पवन भाई भी खड़े हैं हमारे। इसमें हरित कवच और डीएपी लगाने के पहले डाला था। लोग बोलते हैं कि लगाने के पहले जो डालते हैं खाद तो पौधा मर जाता है, लेकिन पवन भाई का क्या कहना है? पवन भाई आप क्या बोलते हो कि ये पौधा मर जाएगा कि नहीं मरा? नहीं, ये पौधा जो है ना मैंने डेमो के लिए डाला था, इसमें हरित कवच और डीएपी। हाँ, और लोग बोलते हैं कि पौधा मर जाएगा, लेकिन मैंने बोला चलो पांच छह पौधे मरेंगे तो मरेंगे, कम से कम डेमो हो जाए। और ये पौधे लाइन से देख लो, छह सात पौधे, आठ पौधे के आसपास है। इसमें हरित कवच और डीएपी डाला हूँ बेसल में। नीचे पहले गड्ढा खना, डायरेक्ट बेसल डाला, हरित कवच और डीएपी, उसके बाद तुरंत पौधा बैठा दिया। ये पानी गिरा था उस दिन जिस दिन इसको लगाया, और वो बिना खातु डाला हुआ है। ये बिना हरित कवच वाला है। हाँ, उसमें कोई खाद नहीं डाला था। तो फर्क कितना है ये बताओ ना अपने को, ढाई महीने में कितना फर्क दिख रहा है? फर्क तो ये है कि अब सामने है, जो भी है देख लो। कितना मतलब जमीन आसमान का बोलना चाहिए, जमीन आसमान का ही बोल सकते हैं। और क्या है इसमें? चलो, जगह मैं अभी और केला लगाऊंगा अभी। हाँ, दीपावली बाद आसपास वहाँ ये हरित कवच का ही इस्तेमाल करना, हरित कवच और डीएपी का इस्तेमाल। चलो, करेंगे। बहुत बड़ा धन्यवाद पवन भाई।